वेलकम टू सफोलिक चैनल फॉर चाइनीज लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू हिंदी। अच्छा दोस्तों, हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है छू, CHU, छू। ZU, ज़ू, CHE, छ, छू, ज़ू, छ। इसका मतलब होता है टैक्सी, ठीक हो गया। तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, छू, ज़ू, छ, छू, ज़ू, छ। अच्छा, तो इसके अंदर जो हमारे पास वर्ड है ना छू, CHU, छू, इसका मतलब होता है टू गो आउट, बाहर जाना, या टू लीव, ठीक है, लीव कर जाना, मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये छू छी जो जाने वाला वर्ड है ना छी, ये उसी का ही पार्ट है। तो छू का मतलब होता है टू गो आउट। इसी तरह इसी का पार्ट है ज़ू, ZU। ज़ू का मतलब होता है टू रेंट, रेंट करना, किसी भी चीज को किराए पर देना या किसी शख्स को हायर करना, ठीक है। तो छू ज़ू छ का मतलब हो गया टैक्सी, ठीक है। उसके बाद इसी में जो मौजूद है छ, CHE, छ, इसका मतलब होता है कार, व्हीकल, गाड़ी, ठीक है। दोस्तों इसी छ से पहले अगर हम HUO लगा दें तो ये बन जाएगा खुआ छ, खुआ छ। कैसे बोलेंगे इसे, खुआ छ, खुआ छ, इसका मतलब होता है ट्रेन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है GAN, गान, JING, चिंग, गान चिंग, गान चिंग, गान चिंग, इसका मतलब होता है क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है। गान चिंग का मतलब होता है क्लीन, साफ सुथरा। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास XU, जिसे आप पहले भी देख चुके हैं। XU का मतलब होता है शी, शी। YAO, याओ, शी याओ, शी याओ, और इसका मतलब होता है नीड, जरूरत होना, ठीक है। शी याओ, शी याओ, नीड, जरूरत होना। छू ज़ू छ, छू ज़ू छ, क्वा छ, गान चिंग, शी याओ, ठीक है। अभी कुछ और वर्ड भी हम इसी वीडियो के अंदर देखते हैं और फिर इसके साथ हम इसकी कुछ एग्जांपल्स अटैच करेंगे जिससे आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। दोस्तों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं, इसमें मौजूद नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं और अपनी चीनी जुबान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। फौरी से जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करें, कोर्स को हासिल करें और अपने चीनी जुबान सीखने का सफ़र शुरू करें। दोस्तों कोई भी आपको क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार करें। इसके अलावा आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, वहां पर जाके भी आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को। अच्छा दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ न्यू अल्फाज हैं, जिसमें सबसे पहला है जी BANG, पांग, पांग। ZHU, चू, पांगचू, पांगचू, इसका मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ख, के ई, ख, आर ई एन, रन, ख रन। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे, ख रन, ख रन, और इसका मतलब होता है गेस्ट्स, मेहमान, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ख रन, ख रन, और इसका मतलब होता है मेहमान। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ुआ, ZUO, ज़ुआ, ज़ुआ, ठीक है। इसका मतलब होता है टेक ट्रांसपोर्ट। किसी लाइट से कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आप यहाँ कैसे आए, तो आप कहेंगे कि मैं बज़रिया जहाज़ आया, मैं जहाज़ के ज़रिए आया, ठीक है, मैं टैक्सी के ज़रिए आया, मैं ट्रेन के ज़रिए आया, या मैं कहीं गया तो किस चीज़ के ज़रिए गया, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है ज़ुआ, ZUO, ज़ुआ, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास वर्ड FAN, फन। फन का मतलब क्या होता था, खाना, फूड, ठीक है। तो DIAN, तियन, इसका मतलब था इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो इसको मिला दिया तो ये बन गया फनतियन, 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 और इसका मतलब है रेस्टोरेंट, ठीक है, जहाँ पर खाना खाते हैं जाके, या होटल, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, फनतियन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास YIEQI, छी,
ईची ईची, इसका मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठे। कैसे बोलेंगे इसे? ईची ईची। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी ए ओ, ताओ ताओ ताओ, और इसका मतलब होता है अराइव, पहुंचना, या टिल तक। ठीक है, मैं पहुंच गया, वो पहुंच गया। ठीक है, तो ये इस तरह की इसकी ये अल्फाज है, जिसमें हमारे पास पहला था पांचू, खरन, जुआ, फांतियन, ईची और ताओ। ठीक है, तो ये अभी हमने अल्फाज देखे, इसके बाद हम देखेंगे एक लाइक एग्जांपल्स, इसकी डिटेल में एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इनका यूज़ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एग्जांपल्स के साथ। अच्छा दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स देखने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है शी, ठीक है, और द। शी द का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर शी लगेगा, फिर जो भी हमारा कंटेंट है, बॉडी है, और उसके बाद एंड पे आ जाएगा द। ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छी समझ आएगी। ये किस लिए होता है, ये जो कंटेंट होता है ना, कोई भी चीज़ है, कोई भी जुमला जो हम बोल रहे हैं, उसके ऊपर जोर देने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा जोर देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नीमन, अब देखें, अब हमारे पास सबसे पहले तो देखें ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये शी आ गया, और ये एंड पे आ गया द, और इसके अंदर ये जुमला है नीमन जम्मा लाए फंतियन। आप लोग कैसे रेस्टोरेंट में आए? नीमन आप लोग जम्मा लाए, कैसे आए? फंतियन रेस्टोरेंट में। अब इसके ऊपर जोर देने के लिए नीमन शी जम्मा लाए फंतियन द। ठीक है, ये शी और द का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये जुमले के ऊपर जोर देने के लिए है। नीमन शी जम्मा लाए फंतियन द, आप लोग रेस्टोरेंट में कैसे आए। इसी तरह था शी जोथियन लायदा, वो कल आए थे। ठीक है, था जोथियन लाए, वो कल आए थे। शी और दा किस लिए? जोर देने के लिए। था शी जोथियन लायदा, वो कल आए थे। वामन शी जुआ छू जू छ, हम लोग टैक्सी के जरिए लायदा आए थे। ठीक है, या आए हैं। वामन शी जुआ छू जू छ लायदा, हम टैक्सी के जरिए आए हैं। ठीक है, वाशी खा फंगेओ, मैं और दोस्त ईशी इकट्ठे खाए छ गाड़ी चलाकर लायदा आए हैं। वाशी खा फंगेओ ईशी खाए छ लायदा, मैं और मेरा दोस्त ड्राइव करके गाड़ी चलाकर आए हैं। ठीक है, तो ये देखें शी जो है वो ख से पहले आया है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा। जुमला क्या था एक्चुअली? वा खा फंगेओ। ठीक है, इसको और इसको भूल जाएं, तो जुमला क्या था? वा ख फंगेओ ईची खाए छ लाए, मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे गाड़ी चला कर आए। लेकिन शी और दाल तो जुमले के ऊपर थोड़ा सा जोर देकर बात करने के लिए, वा शी खा फंगेओ ईची खाए छ लाए दा। ठीक है, हम दोनों ड्राइव करके आए। अभी कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, पिछले जो अल्फाज हमने सीखे उनकी भी और ये शीदा के कॉन्सेप्ट की भी। दोस्तों वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं, इसमें मौजूद नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं और अपनी चीनी जुबान को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। फौरी से जाएँ लिंक के ऊपर क्लिक करें, कोर्स को हासिल करें और अपने चीनी जुबान सीखने का सफ़र शुरू करें। दोस्तों कोई भी आपको क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार करें। इसके अलावा आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, वहां पर जाके भी आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।